अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज साद रहमान है और मैं ये कोर्स अटेंड कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ और आज उसका जो है वो फोर्थ डे है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने एक मूवी देखी, मूवी का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये मूवी जो है एक्चुअली एक किताब पे बनी हुई है और इस किताब के जो राइटर हैं वो नेपोलियन सर है, नेपोलियन हिल उनका नाम है। अच्छा, तो इस किताब में उन्होंने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो कि हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंस का दर्जा रखती हैं। हमारी सोच को बदलने में उस किताब ने बहुत हेल्प करी है। बहुत से लोग होते हैं, वो उनकी सोच होती है बहुत लिमिटेड होती है, वो एक दायरे में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी एक दायरे में गुजार देते हैं। बहुत से जॉब करने वाले हजरात जो होते हैं वो सिर्फ उतना ही सोचते हैं जितनी उनको सैलरी मिलती है, सुबह 9 से 5 की जो उनकी जॉब होती है और एक पर्टिकुलर जो अमाउंट होती है उसी अमाउंट में वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो कुछ बड़ा नहीं सोच पाते, क्यों? क्योंकि वो एक दायरे में उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। अच्छा, तो आज जो ये मूवी हमने देखी है इससे ये हमें सीखने को मिला है कि आप कुछ बड़ा सोचो, सिर्फ सोचो ही नहीं, उस सोच को फिर आप अमल, उस सोच पर आप अमल करो और उस पर आप अपना बिलीव रखो कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद मूवी के एंड में जो हमारे ट्रेनर हैं सर अब्दुल फत्ता, उन्होंने एक्सप्लेन कर अच्छा किया और हमें एक बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई अपने बारे में और जो आजकल के जो फेमस जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में, कि उन्होंने बिल्कुल बॉटम से लेकर इतने हाई प्रोफाइल जो जैसे वो बने हैं वो कैसे बने हैं, उन्होंने कितनी स्ट्रगल करी है, कहाँ कहाँ पर उनको मुश्किलात दरपेश हुई हैं, वो सब चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करके सर अब्दुल फत्ता सोमन ने हमें बताई और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।